आज के इस वीडियो पे मैं आपको भू राजस्व भुगतान ऑनलाइन करना सिखाने वाला हूँ। कैसे आप अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी कृषि भूमि का लगान ऑनलाइन तरीके से अपने भूलेख की साइट में जाके जमा कर सकते हैं। जितना भी लगान होता है वो ऑनलाइन कैलकुलेट करके आपको बता दिया जाता है कि इतना आपको पे करना है और आप उसे साइबर ट्रेजरी में जमा कर सकते हैं। यानी कि आपको अब मैनुअल भू राजस्व जमा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ऑनलाइन तरीके से ऑनलाइन ही अपना भू राजस्व जमा कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कैसे आपको अपनी एग्रीकल्चर लैंड का भू राजस्व या भू लगान जिसे बोला जाता है उसे जमा करना है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको mpbhulekh.gov.in वेबसाइट का लिंक मिलेगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट mpbhulekh.gov.in की वेबसाइट पर आ जाएंगे, या फिर आप गूगल के सर्च बॉक्स पे टाइप करेंगे mpbhulekh, इसके बाद आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये mpbhulekh की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आप आ जाएंगे। दोनों तरीके से आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। मैटर नहीं करता है कि आप किस स्टेट के हैं, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश भूलेख की वेबसाइट पर जाएंगे, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यूपी भूलेख की वेबसाइट पर जाएंगे, अगर आप बिहार से हैं बिहार भूलेख की वेबसाइट पर जाएंगे। हर एक स्टेट की अपनी अपनी भूलेख वेबसाइट होती है, आपको राजस्व भू राजस्व जमा करने के लिए वहीं जाना है। मध्य प्रदेश का जैसे मैं बताऊं तो यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर आएंगे, ये होम पेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कॉर्नर पे एक ऑप्शन है लॉगिन का, इसके नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा रजिस्टर एज अ पब्लिक यूज़र, देन इस पर क्लिक करना है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके लिए आपको एक अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जो कि आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी एक लॉगिन आईडी फिल करेंगे, जैसे आप फिल करके टैब स्पेस लेंगे वैसे ही ये चेक करते हैं इंटरनल प्रोसेस में कि ये लॉगिन आईडी अवेलेबल है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं यहाँ पर फिल करता हूँ कोई भी नाम, मान लीजिए HP12345, देन मैं टैब स्पेस लेता हूँ, तो यहाँ पर ये इंटरनल प्रोसेस में चेक करता है, अगर ये अवेलेबल है तो ये इस प्रकार से दूसरे में चला जाएगा कर्जर, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो ये नॉट अवेलेबल बताएगा। तो ऐसे एक अपनी लॉगिन आईडी आपको क्रिएट कर लेनी है, इसके बाद आपको फर्स्ट नेम लिखना है, देन आपको लास्ट नेम लिखना है यहाँ पर, देन आपको यहाँ पर अपने फादर का नाम लिख देना है, इसके बाद आपको कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन में अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तहसील ईमेल आईडी फिल करनी है या मोबाइल नंबर फिल करना है, देन कैप्चा फिल करेंगे, इसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी को आप वेरीफाई करेंगे, देन रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर mpbhulekh का यूनिक यूज़र आईडी और पासवर्ड भेजा जाता है। उस यूज़र आईडी और पासवर्ड का यूज़ करके आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। चूँकि मैं यहाँ पर पहले से ही रजिस्टर हूँ तो मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद ये इंटरफेस ओपन होता है, जहाँ पर आपको भूलेख प्रतिलिपि MRR भूलेख प्रतिलिपि डाउनलोड और एक भू राजस्व भुगतान का ऑप्शन मिलता है, रेवेन्यू पेमेंट। आपको अपना भू राजस्व या लगान जमा करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज ये ओपन होगा, जहाँ से आपको अपना ज़िला चूज़ करना है, जैसे कि यहाँ पर ज़िला हम चूज़ करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी तहसील चूज़ करनी है, जो भी आपकी तहसील हो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, इसके बाद यहाँ से आपको अपना गांव सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर हमने तहसील सिलेक्ट किया, इसके बाद यहाँ से आपको अपना गांव सिलेक्ट करना है जो भी आपका गांव हो, इसके बाद यहाँ पर भूमि का प्रकार, तो भूमि के प्रकार में अगर आप भू राजस्व जमा कर रहे हैं कृषि भूमि का या फिर डाइवर्टेड भूमि का तो आप यहाँ से चूज़ करेंगे, या जैसे कि हमने यहाँ पर कोई भी एक गांव एग्जाम्पल के तौर पर लिया, देन यहाँ पर कृषि भूमि हमने सिलेक्ट किया, इसके बाद यहाँ पर भूमि स्वामी और खातावार जानकारी ओपन हो जाती है। आप दोनों ही तरीके से चेक कर सकते हैं, अपना नाम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके नाम से कोई भी बकाया भू राजस्व होगा कृषि भूमि में या फिर डाइवर्टेड लैंड में, तो वो यहाँ पर शो करेगा और उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर शो होगी। जैसे हमने यहाँ पर एक कोई नाम सिलेक्ट किया, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने सिलेक्ट किया यहाँ पर ये ईश्वरदीन गणेश प्रसाद, देन यहाँ पर विवरण देखे पे क्लिक करेंगे,
इस भूमि से रिलेटेड जितने भी भू राजस्व यहाँ पर बाकी होगा सारा का सारा यहाँ पर शो होगा, यानी कि पूरा भू राजस्व जितना भी बकाया होगा वो सब कुछ यहाँ पर शो होने लगेगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारे के सारे फाइनेंशियल ईयर, खाता संख्या, खाते का क्षेत्रफल और भू राजस्व कितना होता है सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर चयन करेंगे, कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे फाइनेंशियल ईयर आपके यहाँ पर चेक हो जाएंगे, यानी कि सारे के सारे ईयर आपके यहाँ पर चेक बॉक्स में क्लिक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देन यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको योग बताया जाएगा कि कितना आपको भू राजस्व जमा करना है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं 108 रुपये 25 पैसे बना हुआ है भू राजस्व, इसे आपको पैड करना है। नीचे स्क्रॉल करते आएंगे, यहाँ पर जमाकर्ता विवरण देना है, यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है, देन पिताजी का नाम, इसके बाद फ्लैट नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पर आपको फिल करना है। देन इसके बाद आपको भुगतान, ये कैप्शन बॉक्स दिख रहा है, इस कंसेंट बॉक्स पे चेक मार्क्स के क्लिक करेंगे, देन भुगतान करें पे क्लिक करेंगे। आपके सामने सेवा शुल्क भुगतान का ये डैशबोर्ड आएगा जहाँ पर सारी शुल्क कैलकुलेट करके आपको स्लिप के रूप में दी जाएगी। यहाँ पर सेवा शुल्क भुगतान का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने वॉलेट पर, यहाँ पर जितनी भी राशि आपके वॉलेट में होगी वॉलेट से आपका पैसा काट लिया जाएगा। इससे पहले आपको अपना वॉलेट रिचार्ज करना है। वॉलेट कैसे रिचार्ज करते हैं इसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप अपने वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आप यहाँ जमा करें पे जैसे क्लिक करेंगे आपका भू राजस्व जमा हो जाएगा और आपको एक रिसिप्ट जनरेट होगी, उसे आप अपने पास रख सकते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि आप कैसे ऑनलाइन तरीके से भू राजस्व या भू लगान जमा कर सकते हैं। गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर इनेबल कीजिएगा। आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।